हेलो गाइज, कैसे हैं आप? मेरा नाम ब्रिजेश और मेरे यूट्यूब चैनल श्री कुल टेकनअप का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर का राशन कार्ड डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, वो भी आप बिना किसी ऑनलाइन शॉप पे जाए, बिना कोई चार्ज पे किए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। सो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो चलिए आपका ज्यादा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सिंपली आपका जो पुराना राशन कार्ड है उसमें एक आप कुछ इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली उसको नोट करके कहीं पे रख लेना है। देन आपको करना क्या है, अपने अपने फोन का जो क्रोम ब्राउजर होता है उसको सिंपली ओपन कर लेना है। देन ओपन करने के बाद आपको यहाँ ऊपर दिख रहे थ्री डॉट पे क्लिक करके अपने जिस टैब में आप हैं उसको डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो डेस्कटॉप साइड मोड में करने के बाद आपका जो टैब है एकदम पीसी कंप्यूटर की तरह आपका सिंपली ओपन हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, सिंपली सर्च बार में जाके आपको टाइप करना है MPE, ठीक है। इतना लिखा आपको सिंपली सर्च कर देना है, देखो नया पेज ओपन हो जाएगा जिसे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा जिसमें आपको थोड़ा सा जूम करेंगे और थोड़ा सा आप राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है आवेदन की स्थिति, ठीक है। आपको उस वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करते आपके सामने दो बॉक्स ओपन हो जाएंगे जिसमें आपको जो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर नोट किया था, जो आपके राशन कार्ड पे मौजूद था उस पर जो आपने नोट किया था उसको सिंपली फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको एंटर कर लेना है। देन आपको जो नीचे में आपको एक बॉक्स मिलता है और नीचे में एक आपको कैप्चा मिल जाता है, तो देन आपको जो कैप्चा है आपका सेकंड वाले बॉक्स में आपको सिंपली एंटर कर लेना है। एंटर करते आपको आपके सामने एक और एक ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको मिलेगा सर्च ऑप्शन, ठीक है। आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको वहां पे एक और नया पॉपअप खुल के आ जाएगा जो कि कुछ इस तरह का आपके सामने शो होगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली वहां पे एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको फाइल मूवमेंट, ठीक है। अब फाइल मूवमेंट के नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है आपको व्यू का, ठीक है। आपको सिंपली व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते आपको आपके सामने कुछ फिर से उसी तरह का एक और ऑप्शन खुल जाएगा जिसमें आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा। फाइल के नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको व्यू का, फिर से आपको व्यू वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करते आपके सामने कुछ नया आपको कुछ मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पे आपको मतलब कुछ नंबर टाइप का होगा, एक से लेकर पांच तक, आपको सिंपली पांच वाले नंबर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप अपना जाति आय निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड करते हैं इसी प्रकार ये भी है आपका, ठीक है। भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको सिंपली पांच नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो राशन कार्ड है कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आप इसको थोड़ा सा नीचे को आप स्क्रोल करेंगे आप इसको डाउनलोड अपने फाइल में कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट प्रिंट करना है तो आपको वहां पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का, ठीक है। आप मतलब आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस चीज को मतलब प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में भी आसानी से सेव कर सकते हैं। बहुत सारे जो राशन कार्ड ब्लैंक पेज होता है मतलब वो ढूंढते रहते हैं, उनको पता चलता है कि ब्लैंक पेज कहाँ मिलेगा, बट यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज ही मिल जाएगा। देन आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, यहाँ से प्रिंट करके उस ब्लैंक पेज को यूज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप आज की मेरी छोटी सी वीडियो को पसंद होगी। अगर पसंद आती है तो अपनी ओर से एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।